में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। देखिए, किसान की समस्याओं को लेकर आज हम लोग आए हैं और हलदर, भारतीय हलदर किसान यूनियन के नेतृत्व में आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी पर दो बार जानलेवा हमला हुआ है, उसको लेकर भी हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं किसान समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो। आज जब किसान को पानी के लिए लाइट की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, तो लाइट घंटों गायब होती है, जिससे किसान की फसल चौपट होती है। हम तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि किसानी की समस्याओं को जड़ से मिटाया जाए, जिससे कि देश हरा भरा और उन्नत हो सके।